उपास उपास ये लेसन पुलक देशपांडे जी ने लिखा है। इनके साथ ऐसे मोमेंट आए थे कि ये वजन करने के चक्कर में बहुत सारे पापड़ इन्होंने बेले हैं, तो मतलब वजन करने के चक्कर में सबकी बातें सुनी, फिर किस तरीके से वजन को कम किया जाए उसमें गए, और इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि मध्यवर्गीय व्यक्तिंचा संकल्प व संकल्प पूर्तीत कसे अंतर पड़ते आणि संकल्प करणारे व्यक्ती कसे हास्यास्पद ठरतात याचे मजेदार चित्रण प्रस्तुत लेखात पु ल देशपांडे यांनी केले आहे। मतलब कि इस लेसन में हम लोग ये देखने वाले हैं, इन्होंने लिखा है कि एक मध्य जो मिडिल क्लास का जो पर्सन होता है, व्यक्ति होता है, उसके जो विचार होते हैं, उसका जो संकल्प होता है और उस थॉट को, उस संकल्प को पूरे करने का जो उनका टारगेट रहता है, कितना अंतर होता है, और साथ ही में जब वो संकल्प पूरी करता है तो उसका जब लोग मजाक उड़ाते हैं वो तो अलग की चीज़ें होती हैं। तो ये सब बहुत मज़ेदार यहाँ पर एक कहानी उन्होंने बताई है एक इसके थ्रू, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर पहली चीज़ है कि हर कोई इनको सलाह दे रहा है कि आप ये कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा है माजा खाजगी उपोषणाची हकीकत चाल, मतलब कि इनको अभी डाइट करना था और पूरे चौल को पता चल गया, और ये थोड़े मोटू थे इसलिए इनका बहुत मजाक भी उड़ाया जाता था, तो इसीलिए हर कोई इनको कुछ भी उल्टा फुल्टा बोलता था, जैसे कि नाही ती भानगढ़ आहे, फिर हाथ दाखून अवलक्षण आए, पेलं नाही तेव्हा खाजगी झालं, ऐसे सेंटेंस इनके कानों में गूंजते थे बिकॉज कि लोग इनको बोलते थे ऐसा। यहाँ पे एक से 81 पौड़, मतलब क्या, तो 181, ठीक है, 181 पौड़ यहाँ पे उनको उनका जो वजन है वो हो गया था। रात दिन उनको ये कान में, मतलब एक्चुअली क्या हुआ कि इन्हों ऑथर गए और वो जो मशीन रहती है ना वजन चेक करते हैं उस पर उन्होंने चेक किया, तो उनका 181 पाउंड वजन था, तो उनको लगा मेरा वजन ज़्यादा हो चुका है, मुझे वजन कम करना चाहिए, और इसकी वजह से वो जो कार्ड देखते देखते ही उनको मतलब नींद भी उनकी चली गई, उनको नींद भी नहीं आ रही थी कि मैं वजन किस तरीके से करूँ, आसपास के लोग भी ऐसा बोलते हैं, और उनकी जो पहले ये मतलब ये नींद भी इनकी चली गई थी, ठीक है, अच्छे से सो नहीं पाते थे, एंड उनकी वाइफ को लगता था कि ये तो इतना खराटे मार के सोते हैं और बोलते हैं कि मेरी नींद नहीं पूरी हो रही है। तो ऐसा अभी 2 महीनों से इन्होंने वज़न कम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की, उन्होंने प्रतिज्ञा की, मीन्स भीष्म प्रतिज्ञा, मीन्स कि मैं करूँगा तो करूँगा, बट एक्चुअली में हो नहीं पाता है इन्होंने जो किया। तो जितने भी डिसीजंस होते हैं, जो भी क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इसके लिए इन्होंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, प्रोटीन युक्त पदार्थ हो गए, चर्बी युक्त की चर्बी ना बढ़े ऐसी चीज़ें हो गई, कैलोरीज की हो गई, सारा नॉलेज इन्होंने लिया। और मज़े की बात यह है कि इन्होंने इतना सारा नॉलेज लिया, पूरा शास्त्र ही इन्होंने पढ़ लिया डाइट के बारे में, और उसके बावजूद जब लोगों को पता चला भाई ये डाइट का कर रहा है, तो हर कोई जो चौल में ही रहते थे ऑथर, तो इसलिए सबको इनको है ना अपने अपने चीज़ें बताने लगा कि तुझे अगर डाइट करना है तो मेरी ये सलाह मान। जैसे कि एक सोकाजी त्रिलोके कर थे, ये क्या बोलते हैं डाइट के लिए कि मैं तुझे बोलता हूँ, पंत नाम था इनका, तो ऑथर को बोलते हैं डाइट कर, डाइट में जो बटाटा खाते हैं ना आलू उसे मत खा, छोड़ दे, खाना भी मत, देख ही मत उसकी ओर। फिर दूसरा कोई बोलता है कि भाई तू चौल में रहता है ना इसलिए तेरी बटाटे जैसी चाल है, ऐसे मतलब चिढ़ाते हैं इनको, फिर वजन कर कम कर, और ऐसे हंसते हैं, ऐसे कई लोग अलग अलग जैसे कि जानोबर रह गए इस तरीके से कह के हंसने लगे, और ऐसे ही हर कोई कुछ उल्टे फुलटे चीज़ें ऐसे तिरखे बोल बोलने लगते थे। तो अभी ऑथर ऐसे देख रहे थे कि डाइट हर कोई जोक बना रहा है मेरा, तो हर कोई अलग अलग यहाँ पे बोला था वजन कम करना है तो एक काम कर, सलाह मान, भात का ना छोड़ दे, चावल जो भात रहता है ना चावल से बनता है उसको मत खा, अभी भात मत खा, फिर कोई बोलता है कि दाल भी मत खा, ऐसे हर कोई बोला था, कोई बोलता है शक्कर मत खा,
कोई बोलता है नमक मत खा, कोई बोलता है तेल मत खा, एक एक जो हफ्ता रहता है, एक हफ्ता अगर तू तेल नहीं खाएगा तो तेरा बहुत कम हो जाएगा, वजन बहुत कम हो जाएगा, ऐसे हर कोई अपना, क्योंकि हेड क्लर्क की जो वाइफ है उसका हो गया, ऐसे सब एग्जांपल दे दे के बोल रहे थे कि भाई तू ये मत खा, तले हुए चीज़ें मत खा, जो तेल से तली हुई चीज़ें रहती हैं, जो सोता है तू दिन पे, तू दिन को सोना बंद कर दे, फिर कोई बोलता है कि जो पत्ते रहते हैं ना, देखो जुआ खेलते हैं पत्ते का, तो वो पत्ते भी खेलना छोड़ दे, बैठे बैठे वजन बढ़ रहा है, ऐसे हर कोई अपनी अपनी डिसीजंस, अपने अपने ऐसे चीज़ें बताता है ऑथर को, ठीक है। तो जब ऑथर को ऐसे सब कोई अपना अपना सलाह देता है, तो ऑथर डिसीजन लेते हैं कि मैं थोड़ा अपने खाने पीने का जो आहार है उसमें चेंजेस लाता हूँ। तो उस पर चेंजेस लाते हैं ऑथर, तो जो ऑथर सोचते हैं कि बिना शक्कर की चीज़ें मैं खाऊंगा, शक्कर रहेगा वो चीज़ मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि शक्कर में ज़्यादा कैलोरीज होती है, तो इसलिए ये सोचता है और बिना शक्कर का चाय पीना शुरू कर देता है। पहले दिन तो उसको कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, और घर पे सबको बोल देता है कि भाई मैं शक्कर का कुछ भी नहीं खाऊंगा, और दीपावली का टाइम आता है तो बोलता है मेरे लिए ज़्यादा कुछ तली हुई चीज़ें भी मत बनाना, क्योंकि नमकीन वगैरह तो उसी का रहता है ना, तो कुछ बनाना मत मेरे लिए, बच्चों को बना देना लेकिन मेरे को नहीं खाना है, ऐसा। और बाद में धीरे, पहले दिन तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन दूसरे दिन भी भात वगैरह भी नहीं खाना था, इसलिए अब भात तो खाएगा नहीं तो भाई कैसे रहेगा, भात के बिना तो रह नहीं सकते, तो इसीलिए जो भात का पहला टुकड़ा और जो लास्ट का टुकड़ा है इसको छोड़ के जो बीच का है वही ये खाता था। फिर इसी तरीके से ये कर रहा था पाले भाजी, बिना उबाले, बिना तली हुई जो सब्जियां रहती हैं उन, बिना छौंक के, बिना तली हुई सब्जियां खाना, इस तरीके से ये खाना, एक दिन खाया, दो दिन खाया, लेकिन टेस्ट अलग था, ठीक है। और फिर पहला दिन तो चलो गया, दूसरे दिन क्या होता है कि इन्होंने तो व्रत किया था ना कि भाई मैं भीष्म प्रतिज्ञा की थी कि मैं डिसीजंस लिया हूँ, मैं अपना हेल्थ का ध्यान दूंगा, डाइट में ये चीज़ें खाऊंगा, लेकिन क्या होता है कि इनके ही जो कचेरी में क्या होता है कि इनके एक फ्रेंड है नांड गोंडोला, ठीक है, अन्ना नानू गोंडोला उनका नाम है, तो उनका प्रमोशन मिला रहता है उनको, ठीक है, और बहुत दिनों से उन्होंने इसका इंतज़ार किया रहता है, तो उनको प्रमोशन मिला रहता है, इसलिए ये कैंटीन में सबको बुलाते हैं और पार्टी देते हैं। दूसरी तरफ जो आचार्य थे उनको भी प्रमोशन मिला था और इसीलिए वो भी बुलाते हैं खाने के लिए। तो अब जब बुलाते हैं तो हर कोई, इन ऑथर का तो डाइट है, डाइट होने के बावजूद अगर ये नहीं जाते हैं तो वो बुरा मान जाएंगे, इसलिए ये जाते हैं। अब जब ये जाते हैं, और ना जाना तो पड़ता नहीं, बिकॉज़ क्या अन्ना गॉड जो इनके नाड गॉड वाला जो इनके फ्रेंड है वो 6 सालों से एफिशिएंसी से पूरा अच्छे से काम करके इंतज़ार किया था, और आचार्य ने भी, आचार्य को भी प्रमोशन मिला, तो आचार्य जो था वो ऐसे लग रहा था मिठाई लेकर आया कि खाने के लिए, तो ऐसे लग रहा था मिठाई में शक्कर डाल के ले आया हो, शक्कर नहीं मिठाई, पूरा शक्कर शक्कर का ही था, तो ऐसा वो भी लेकर आ गया। अभी खाना ही पड़ेगा भाई, कैलरीज तो इतनी सारी, ऐसे मुझे लग रहा, ऑथर को लग रहा था कि उनके पेट में बहुत सारी कैलरीज, ऐसे पूरा बहाव आ गया है कैलरीज का पेट में, ऐसा बहुत सारा जा रहा है, ऐसे उनको लग रहा था। और जो भी खा रहे थे तो भी बटाटा वड़ा हो गया, उसमें भी कैलरीज, क्योंकि बटाटे में तला हुआ ही है, ठीक है, चिवड़ा हो गया, चिवड़ा सल वनस्पतिला, ऐसे बहुत सारे नमकीन हो गए, ठीक है, तो ये सब तली हुई चीज़ें जो ऑथर नहीं खाते थे वो भी उनको खाना पड़ रहा था। और इसके, अब जब उन्होंने खाया तो बिना खाने बिना तो रह नहीं सकते, बिकॉज उनको खाना ही पड़ा। अब जब वो खाते हैं तो अंत में सबको बोलते हैं कि भाई मैंने तो डाइट कर रहा हूँ, मैंने व्रत रखा है, तो भिकोबा उनको बोलता है कि मेरे को देख, मैं तो 21 गुलाब जामुन खाया, मेरा कुछ हुआ क्या,
मैं तो फिर हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते ना, इसीलिए। और वैसे भी तेरी कुंभ राशि है, और कुंभ राशि का जो वायु होता है वो बहुत होता है, तो तू क्या वायु भक्षण कर रहा है? कुछ नहीं खाएगा तो क्या वायु खा के रहेगा, मतलब हवा खा के रहेगा तो और मोटा हो जाएगा, ऐसे कहा उसने मजाक मजाक में। वो फिर दूसरा बोलता है कि नॉनसेंस, जगदाले था वो चिल्लाते हुए बोलता है नॉनसेंस है तू, रोज दौड़ने का ना तो वजन कम हो जाएगा। तो दौड़ने का, कोई बोलता है कि दोरी उड़ा मारने का ना, तो मेरी बहन का दोरी उड़ी मारने से, स्किपिंग करने से कम हो गया है। तो तू कुल जो कमलिनी केकरे थी वो भी उधर बैठी थी, तो उसने कहा कि दोरी उड़ी करने का। ऐसे हर कोई अपना अपना बोलने लगा कि भाई तू अगर डाइट कर रहा है तो तू ये करना, खाने में क्यों, खाना क्यों छोड़ रहा है, ऐसा सब कोई बोलने लगा। तो इन्होंने डाइट के लिए अभी रात को दोरी उड़ी मारना ऐसा सोचा इन्होंने, ठीक है, सुबह तो रनिंग करूँगा और रात को आके स्किपिंग करूँगा, दोरी उड़ी करूँगा। घर पे आया, घर पे आके उन्होंने बोला कि मैं अब से डाइट नहीं करूँगा, और जो भी खाने में जैसे शेवंग्या है, शेंगा, पड़वल, चेवड़ी, ये सब खाने की चीज़ें दी गई हैं, इन सारी चीज़ों को खाऊँगा। और तो शुरू में तो मैंने चाहा भी, मतलब चाय भी नहीं पिया था, ऐसा उसने ऑथर बता रहे हैं कि भाई मैंने तो ये सारी की चीज़ें की। अच्छा, अब तुम लोग बोल रहे हो कि खाने में कोई दिक्कत नहीं है, अब ऑथर को भी लग रहा था मैंने अपना खाना छोड़ दिया। तो अब धीरे धीरे क्या होता है कि बिना ऑथर जाते हैं और अपने घर पर और कहते हैं कि भाई आज से मेरा डाइट बंद, अब मैं सुबह दौड़ूंगा और शाम को अपना स्किपिंग करूंगा, दोरी उड़ी करूंगा, और यही चीज़ रहेगी मेरी, ठीक है। तो अभी उसकी वाइफ आती है उसको चाय लेके, तो चाय लेके आती है वाइफ, तो क्या होता है कि चाय उसको अच्छी नहीं लगती है ऑथर को। तो ऑथर बोलता है कि ये चाय में चेंजेस क्या है, बिना शक्कर का चाय पीता हूँ, लेकिन आज तो चाय अलग ही बनी है। तो और उसकी वाइफ बोलती है कि घर पे शक्कर नहीं है, और एक्चुअली मैं बता दूं, आप बोल रहे थे डाइट कम किया, लेकिन मैं पहले आपको थोड़ा थोड़ा शक्कर देती थी। तो ऑथर बोलते हैं कि इतनी सारी कैलोरीज मेरे पेट में चले गए और तू बोली कि बिना शक्कर की चाय और शक्कर डाल के दे रही थी। तो फिर यहाँ पे इस तरीके से चीज़ें चलती है। फिर ऑथर बोलते हैं कि वाइफ बोलती है कि फालतू में चिल्लाओ मत मेरे ऊपर, वो शक्कर अब ख़त्म हो गई है घर पे, तो शक्कर लाने के लिए बोलती है। तो फिर लड्डू भी बनाए रहते हैं, तो बोलती है कि बिना लड्डू दिया ऑथर को, तो ऑथर बोलता है कि बिना शक्कर का लड्डू बनाया। तो वो बोलती है वाइफ के, हमारे ख़ानदान में किसी ने बिना शक्कर का लड्डू नहीं बनाया, आप जो खा रहे हो वो भी लड्डू भी शक्कर का है। तो ऑथर सोचते हैं अभी तो मैं कैलरीज कम करने की सोच रहा था, आप पेट में और कैलरीज चली गई, अब क्या करूं। इस तरीके से वो सोचते हैं कि मतलब मैं अपनी जान डाइट कर रहा हूं और मेरी वाइफ मेरे डाइट में मेरा सपोर्ट ही नहीं कर रही है, बताओ। फिर ये जाते हैं, सोचते हैं कि चलो छोड़ो अभी कौन करे बहस वाइफ से। तो ये आते हैं और चौल में रहते हैं, इसकी वजह से उनको काफ़ी दिक्कत होती है दोरी उड़ी करने में। तो शाम होती है तो ये जाते हैं दोरी उड़ी करने, स्किपिंग करने। और जब ये स्पीकिंग कर रहे होते हैं तो टेबल से एक दवा रखी थी टेबल में, तो वो लगता है धक्का और वो टूट जाती है। और जो उधर ही उनके जो आचार्य थे, आचार्य करके एक थे उधर, तो वो गुस्सा हो जाते हैं बिकॉज कि उनको लगता है, तो वो पकड़ लेते हैं उनकी डोरी को। अब जब आचार्य बाबा को लग जाता है, वो बगल के खोली में रहते थे, तो वो बोलते हैं कि उपास है त्यंचे, तो उनको पता चलता है ना, तो पकड़ लेते हैं। तो फिर ये बोलता है कि भाई आपने ये पकड़ा क्यों है, छोड़ दो डोरी को। तो बोलता है कि कुछ उपयोग नहीं है तेरा ये करके भी, तू अपने मुंह को बंद कर, तो अभी तेरा ये डाइट, तेरा ये वजन कम होगा, क्योंकि अगर तेरा मुंह बंद नहीं होगा तो तू, तेरा वजन कम नहीं होगा, तो मुंह को बंद रखने का, ऐसा बोलता है। और फिर वो मौन का प्रवचन देने लगते हैं कि मौन धरना क्यों ऐसा है, मौन ही सब कुछ है, मौन में ही पावर है, मौन ही शक्ति है, तो मौन धारण कर। तो ऑथर सुनता है, अचानक से बोलता है, काका अगर मैं मौन धारण
नारायण व्रत रखूंगा तो मेरा तो काम ही है टेलीफोन में ऑपरेटर हूँ, मुझे तो दिन भर बोलना पड़ता है, तो मैं मौन कैसे रख सकता हूँ, और मौन से और वजन से क्या ताल्लुक है। फिर जैसे तैसे ऑथर उनसे पीछा छुड़ाते हैं और फिर आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि अब इनको वजन तो कम करना था, और फिर वाइफ के पास आते तो वाइफ बोलते हैं हम किसी और का खा कहाँ रहे, आप छोड़ो ये डाइट वाइट, ऐसा वाइफ बोलती है। तो फिर अब यहाँ पे जो ऑथर हैं वो सोचते हैं कि भाई अब क्या किया जाए, तो ऑथर तब भी अपना चालू रखते हैं, साखर है जो शक्कर रहती है, तिल पापड़ उलागला, मतलब कि पूरा वो लोग खाने लगे, फिर जो नींबू होता है उसका रस हो गया, ये सारी चीज़ें अभी मतलब ऑथर धीरे धीरे खाना चालू किया, और जो उड़ी मारना है वो भी दोरी उड़ी भी वो कर रहे थे, ऐसे धीरे धीरे चल रहा था जैसे तैसे उन्होंने किया। तब भी ऑथर ने जो ऑयली चीज़ें होते हैं उन्हें खाना बंद किया था, जो चर्बी बढ़ाते हैं ऐसी चीज़ें खाना बंद किया था, दोरी उड़ी भी करते थे, सब कुछ किया ऑथर ने। और जब इतना सब कुछ करने के बाद ऑथर सोचते हैं कि अब मैं जाऊंगा उस मशीन में और अपना चेक करूंगा कि मेरा वज़न कितना है। ऑथर ऑफिस में जाते थे आते थे तो चल के ही आते जाते थे ताकि वज़न कम हो, तो इस तरीके से वो करते थे। जब वो ऑथर आते हैं और उसमें देखते हैं तो कुछ ही मिनट में उसमें आता है कि आपका जो 192 मतलब कि 192 वजन हो गया है, और भविष्य लिखा था उसमें आप बहुत समझदार और गंभीर हैं, इस तरीके से उसमें कार्ड में लिखा था। तो ऑथर पूरी तरीके से सरप्राइज हो जाते हैं कि भाई मैंने इतना सब कुछ किया डाइट के लिए और अभी तो मेरा वज़न और बढ़ गया, इस तरीके से चीज़ें होती हैं। फिर ऑथर ने अपना सब बंद कर दिया, वज़न कम करना तो छोड़ो, वो सपने में भी अब नहीं सोचेंगे वज़न कम करना, सारी चीज़ें उन्होंने जो डाइट में की थी वो सारी चीज़ें उन्होंने हटा दिया और रोज़ाना की तरह अपना खाना पीना लगे। अब इस जो ये लेसन था इसमें ऑथर बता रहे हैं कि एक मिडिल क्लास पर्सन संकल्प करता है उसको पूरा भी करते तो कैसे डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं, और जब रिजल्ट भी क्या निकलता है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर है, तो आकृति पूर्ण करा बताया गया है, तो आकृति पूर्ण करना हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।